इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में बताऊंगा जिसमें आप SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोकस्ड इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है और उसमें फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में 30 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रख सकते हैं। और ज़्यादातर फोकस्ड फंड में अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखें तो रफली 20 to 25 स्टॉक्स होता है, क्योंकि फोकस्ड फंड्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और उनमें नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम होते हैं। इसीलिए फोकस्ड फंड्स काफ़ी वोलाटाइल होते हैं और साथ ही काफ़ी रिस्की भी होते हैं। फोकस्ड फंड्स में फंड मैनेजर्स का प्रायोरिटी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि उनका प्रायोरिटी होता है हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना। दैट्स वाई फोकस्ड फंड्स में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आते हैं। फोकस्ड फंड्स में मार्केट कैप का लिमिटेशन नहीं होता है, ये टोटली फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे होता है। फंड मैनेजर अगर चाहे तो वो मोस्टली लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। साथ ही अगर फंड मैनेजर चाहे तो वो इस फंड को एक मल्टी कैप फंड की तरह भी मैनेज कर सकता है। मल्टी कैप फंड मीन्स साइजेबल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल मार्केट कैप लाइक लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे जिसके थ्रू हम टॉप 3 फोकस्ड इक्विटी फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सिलेक्शन प्रोसेस। फोकस्ड इक्विटी कैटेगरी में टोटल 22 फंड्स हैं। आउट ऑफ दीज 22 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM 500 करोड़ से कम है। हमें स्मॉल AUM फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी मेजर मार्केट करेक्शन होता है या फिर मेजर रिडेम्पशंस होते हैं उस समय इन लो AUM फंड्स के AUM और भी कम हो जाएंगे और फंड मैनेजर्स को इन फंड्स को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। सो इट्स बेटर टू अवॉइड लो AUM फंड्स। मैंने लो AUM फंड्स को हाईलाइट किया है। सो विल रिमूव BNP परिवार फोकस 25 इक्विटी फंड, IDBI फोकस 30 इक्विटी फंड, JM कोर 11 फंड, क्वांट फोकस्ड फंड एंड यूनियन फोकस्ड फंड। इन सारे हाईलाइटेड फंड्स का AUM 500 करोड़ से कम है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 17 फंड्स। आउट ऑफ दी 17 फंड्स 4 फंड्स ऐसे हैं जिनका इवन 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ ये फंड्स रिलेटिवली काफ़ी न्यू हैं। सो इन 4 फंड्स को भी हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। हमें रिलेटिवली न्यू फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि न्यू फंड्स का सफिशिएंट डेटा हमारे पास नहीं होता है जिससे कि हम उन फंड्स के परफॉर्मेंस को डिटेल में स्टडी कर सकें। सो आउट ऑफ दी 17 फंड्स विल रिमूव कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड, L&T फोकस्ड इक्विटी फंड, मिरे एसेट फोकस्ड फंड एंड टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 13 फंड्स और इन 13 फंड्स का हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे। परफॉर्मेंस में हम इन फंड्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजन्स, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर। और इनके रिटर्न्स को हम इनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे। हम उन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहे हैं ओवर द ईयर्स। सो आउट ऑफ दीज 13 फंड्स विल रिमूव आदित्य बिरला सनलाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड, DSP फोकस फंड, HDFC फोकस्ड 30 फंड, ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड, IDFC फोकस्ड इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 फंड, प्रिंसिपल फोकस्ड मल्टी कैप फंड, सुंदरम सेलेक्ट फोकस फंड। सो इफ यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ आदित्य बिरला सनलाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड, 1 ईयर बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 36.43, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 30.39। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 14.77, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 12.47। 5 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 16.81, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया 15.83। 10 ईयर्स में बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 12.03, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है 13.56। इफ यू लुक एट आदित्य बिरला सनलाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड्स परफॉर्मेंस, सो आउट ऑफ 4 होराइजन्स ओनली 1 होराइजन, दैट इज 10 ईयर्स में इसने बेंचमार्क को बीट किया है, दैट टू विद अ स्मॉल मार्जिन। एंड रेस्ट ऑल 3 होराइजन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। दैट्स वाई वी कैन रिमूव दिस फंड फ्रॉम आवर फाइनल लिस्ट। तो सिमिलरली इफ यू लुक एट अदर हाईलाइटेड फंड्स ऑल्सो, उनका भी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क अच्छा नहीं है। दैट्स वाई वी कैन रिमूव दिस फंड्स। इफ यू लुक एट नंबर 6 ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड, ऑल्दो 1 ईयर में इनका रिटर्न काफी अच्छा है, बेंचमार्क ने 1 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है 39.24, जबकि इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 51.56, जो कि काफी अच्छा है। बट देन इफ यू लुक एट 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन्स, 3 ईयर्स में ऑल्दो इसने बेंचमार्क को बीट किया है लेकिन मार्जिन काफी कम है। 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। दैट्स वाई वी कैन रिमूव दिस फंड। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 5 फोकस्ड इक्विटी फंड्स। फर्स्ट इज एक्सिस फोकस्ड 25, सेकंड इज फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, थर्ड इज IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, फोर्थ इज निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड एंड फिफ्थ इज SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। अगर आप इन 5 फंड्स के परफॉर्मेंस को देखें तो ज़्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को बीट किया है। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट आवर टॉप 3 फोकस्ड इक्विटी फंड, हम इन 5 फंड्स के कुछ और पैरामीटर्स को चेक करेंगे एंड बेसिस दैट विल फाइनलाइज आवर टॉप 3 फंड।
सो लेट्स चेक देयर रिस्क एंड रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर। रिस्क पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा। रिस्क पैरामीटर्स जितना कम हो वो फंड उतना कम रिस्की माना जाएगा। एंड रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स में हम चेक करेंगे अल्फा एंड सार्प रेशियो। रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स दैट इज अल्फा एंड सार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद देयर 3 ईयर परफॉर्मेंस। तो अगर आप इन 5 फंड्स का अक्रॉस 3 ईयर्स रिस्क पैरामीटर्स चेक करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा, तो निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली इसका बीटा भी काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये फंड रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क ले रहा है। और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा सबसे कम है, दैट मीन्स ये फंड रिलेटिवली कम रिस्क ले रहा है। एंड इफ यू लुक एट रिस्क रिवार्ड पैरामीटर्स दैट इज अल्फा एंड सार्प रेशियो, देन यू कैन ईजिली फिगर आउट दैट IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का अल्फा और सार्प रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का अल्फा है 7.98 जबकि इसका सार्प रेशियो है 0.65। सेकेंड नंबर पे है एक्सिस फोकस 25, इनका अल्फा है 3.72 और सार्प रेशियो है 0.49। एंड थर्ड नंबर पे है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड जिनका अल्फा है 2.27 एंड सार्प रेशियो है 0.43। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का अगर आप अल्फा और सार्प रेशियो देखें तो ये काफ़ी कम है, दैट मीन्स इनका परफॉर्मेंस अक्रॉस 3 ईयर्स अच्छा नहीं है। नाउ लेट्स चेक देयर परफॉर्मेंस अक्रॉस 5 ईयर होराइजन। 5 ईयर्स में भी निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा काफ़ी ज़्यादा है जबकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा कम है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। अक्रॉस 5 ईयर होराइजन में भी IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का अल्फा और सार्प रेशियो ज़्यादा है, इनका अल्फा है 4.16 और सार्प रेशियो है 0.79। दैट मीन्स अक्रॉस 5 ईयर्स ऑल्सो इस फंड का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर फंड्स अच्छा है इन फोकस्ड इक्विटी फंड कैटेगरी। अगेन सेकेंड नंबर पे है एक्सिस फोकस 25, उनका अल्फा है 3.84 एंड सार्प रेशियो है 0.8। एंड थर्ड नंबर पे है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, उनका अल्फा है 2.44 एंड सार्प रेशियो है 0.72। सो इन 5 ईयर होराइजन ऑल्सो फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड एंड निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड का अल्फा एंड सार्प रेशियो दोनों ही कम है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। सो वी कैन रिमूव दीज 2 फंड्स फ्रॉम आवर फाइनल लिस्ट। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 3 फोकस्ड इक्विटी फंड। सो परफॉर्मेंस वाइज फर्स्ट फंड विल बी IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, सेकेंड फंड विल बी एक्सिस फोकस 25 एंड थर्ड फंड विल बी SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। सो नाउ लेट्स चेक फ्यू मोर पैरामीटर्स ऑफ दीज फंड्स बिफोर इन्वेस्टिंग आवर हार्ड अर्न मनी इन दीज फंड्स। सो लेट्स चेक देयर एक्सपेंस रेशियो एंड फंड मैनेजर डिटेल्स। एक्सिस फोकस 25 का एक्सपेंस रेशियो है 0.63 और इसके फंड मैनेजर हैं जिनेश गोपानी जो कि इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.06 और इसके फंड मैनेजर हैं मयूर पटेल जो कि इस फंड को 2019 से मैनेज कर रहे हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.79 और इसके फंड मैनेजर हैं आर श्रीनिवासन जो कि इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ लेट्स चेक द पोर्टफोलियो ऑफ दीज 3 फंड्स। इन 3 फंड्स के पोर्टफोलियो को स्टडी करने के लिए मैंने इन 3 फंड्स के टॉप 10 स्टॉक्स को लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सिस फोकस 25। एक्सिस फोकस 25 का मेजर इन्वेस्टमेंट है बजाज फाइनेंस में और इस स्टॉक में इनका इन्वेस्टमेंट है 9.09%। TCS में इनका इन्वेस्टमेंट है 9.08%। कोटक महिंद्रा बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 7.44%। HDFC लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है 7.06%। HDFC बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.98%। अवेन्यू सुपरमार्ट्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.3%। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.33%। इन्फो एज में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.4%। मारुति सुजुकी इंडिया में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.39% और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.15%। नाउ लेट्स चेक द पोर्टफोलियो ऑफ IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड। इनका मेजर इन्वेस्टमेंट है ICICI बैंक में 9.32%, इन्फोसिस में 6.31%, HDFC बैंक में 5.50%, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 4.96%, भारती एयरटेल में 4.96%, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में इन्वेस्टमेंट है 4.92%, एक्सिस बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.89%, L&T इन्फोटेक में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.26%, बजाज फाइनेंस में इनका इन्वेस्टमेंट है 4%, साइंट टेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट है 3.41%। नाउ लेट्स चेक द पोर्टफोलियो ऑफ SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है HDFC बैंक में, दैट इज 7.77%। देन डिवीज लैब में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.73%, अल्फाबेट में इनका इन्वेस्टमेंट है 6.37%। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड गूगल की पैरेंट कंपनी है।
भारती एयरटेल में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.75%, पीएनजी में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.54%, एबीबी में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.54%, बजाज फाइनेंस में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.29%, एवेन्यू सुपर मार्ट में इनका इन्वेस्टमेंट है 5.22%, कोटक महिंद्रा बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट है 4.03%, जबकि मारुति सुजुकी इंडिया 4.03%। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फोकस्ड इक्विटी फंड में रिटर्न्स तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बट देन ये काफ़ी वोलाटाइल और रिस्की कैटेगरी है। दैट्स वाई अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस कैटेगरी। अगर आप फोकस्ड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर्स का जरूर रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।